अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सियासत मैट्रिमोनियल। इस वीडियो में सियासत मैट्रिमोनियल के ऐप को यूज़ करने का प्रोसेस देखेंगे। जैसे आप सियासत मैट्रिक का ऐप खोलेंगे, आपके सामने दो ऑप्शंस होंगे। आप या तो लॉगिन कर सकते हैं या फिर रजिस्टर कर सकते हैं। आप पहले से अगर रजिस्टर करके हैं तो ईमेल आईडी और पासवर्ड इंटर करके आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन होने के बाद आपके सामने दो टैब्स आएंगे, रिसेंटली ज्वाइन और रिसेंटली लॉगिन। रिसेंटली ज्वाइन लिस्ट के नीचे वो लिस्ट होगी जो अभी अभी सियासत मैट्रिक को ज्वाइन हुए हैं। रिसेंटली लॉगिन के नीचे वो लिस्ट होगी जो पर्संस अभी अभी लॉगिन करे हैं। इसके अलावा आपके पास ये ऑप्शंस हैं, सर्च। अगर आप सर्च करना चाह रहे हैं प्रोफाइल्स तो आपके सामने चार ऑप्शन है, क्विक सर्च, एडवांस सर्च, आईडी सर्च, कीवर्ड सर्च। कोई भी ऑप्शन इस्तेमाल करके आप सर्च कर सकते हैं। चलिए कीवर्ड सर्च या फिर क्विक सर्च करके देखते हैं। यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शंस हैं, या तो आप सर्च पर क्लिक कर सकते हैं या सेव सर्च पर। अब ये दोनों में से दोनों का डिफरेंस क्या है और दोनों में से कौन सा बेहतर होगा, ये समझने के लिए पहले तो आपको डिफरेंस समझना होगा। अगर आप सर्च पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने वो प्रोफाइल्स आ जाएंगे जो ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई करते हैं। लेकिन अगर आप फिर लॉगिन करके फिर से आप इसी क्राइटेरिया के हिसाब से लिस्ट देखना चाहते हैं तो आपको फिर से पूरा फॉर्म फिलअप करना होगा। मगर अगर आप ऐसा कोई फॉर्म फिलअप करना नहीं चाहते और इसी क्राइटेरिया के बेसिस पर आप लिस्ट देखना चाहते हैं तो बेहतर होगा सेव सर्च पर क्लिक करिए। सेव सर्च पर क्लिक करने के बाद आपको इसका नाम देना होगा। कुछ भी नाम आप दे सकते हैं। उसके बाद आप सर्च पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो ये वो प्रोफाइल्स हैं जो आपके क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहे हैं। जैसे कि मैंने अभी कहा है, आपको हर बार ये फॉर्म फिलअप करने की ज़रूरत नहीं होगी अगर आप सेफ सर्च पर क्लिक करते हैं। वो कैसे, जो अभी आप सेफ सर्च करें उसको देखने के लिए आपको प्रोफाइल के अंडर माई सेफ सर्च पर क्लिक करना होगा। तो अगली बार जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको सिर्फ यहाँ से प्रोफाइल के माई प्रोफाइल के अंडर माई सेफ सर्च में जाना होगा और जो आप जो नाम से आप सेव करें हैं जस्ट उस पर क्लिक करना होगा। इससे आपके सामने वही प्रोफाइल्स आएंगे जो आप पहले से क्राइटेरिया स्पेसिफाई करे हैं, बट आपको फॉर्म फिलअप करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके अलावा व्यू प्रोफाइल पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप अपनी प्रोफाइल देख सकेंगे और उसमें अगर चेंजेस करना चाह रहे हैं तो चेंजेस भी कर सकते हैं। पासवर्ड अगर चेंज करना है तो आपको चेंज पासवर्ड पर क्लिक करना होगा। मैनेज फोटो पर क्लिक करेंगे
तो आप जो जो फ़ोटोज़ अपलोड करे हैं सियासत मैटरी पर वो आपके सामने आ जाएंगे। आप पहले से अपलोड करे हुए फ़ोटोज़ को भी सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप नए फ़ोटोज़ भी अपलोड कर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद जो और एक टैब होगा फ़ोटो रिक्वेस्ट, यहाँ पे जो आप फ़ोटो अपलोड कर रहे हैं उसकी सेटिंग्स कर सकते हैं, विजिबिलिटी सेट कर सकते हैं। अगर आप हाइड करना चाह रहे हैं सबसे तो हाइड और हाइड फॉर ऑल पे क्लिक कीजिए, या आप सबको विजिबल रखना चाहते हैं तो विजिबल टू ऑल रखें, या फिर आप सिर्फ पेड मेंबर को दिखाना चाहते हैं तो विजिबल टू ओनली पेड मेंबर क्लिक करिए। उसके अलावा आप वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं, अपलोड वीडियो पर क्लिक करके आईडी प्रूफ भी अपलोड कर सकते हैं। मैसेज में वो मैसेज रहेंगे जो आप सेंड करे हैं या फिर रिसीव करे हैं। ये शॉर्टलिस्टेड के अंडर वो प्रोफाइल्स दिखाया जाएगा जो आप पहले से शॉर्टलिस्ट करे हैं। किसी भी प्रोफाइल को आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं, बाद में उसको रेफर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको आज कोई प्रोफाइल अच्छी लगती है, उसे अभी कांटेक्ट करना नहीं है आप, बिकॉज आप श्योर नहीं है कि वही प्रोफाइल से आप कांटेक्ट करना चाहते, बट बाद में आप उसको रेफर करना चाहते हैं तो आप शॉर्टलिस्ट कर ले सकते हैं। अभी शॉर्टलिस्ट कैसे करते हैं, यहाँ पे तो आपके सामने वो प्रोफाइल्स दिखाए जाएंगे जो ऑलरेडी शॉर्टलिस्टेड हैं, बट शॉर्टलिस्ट कैसा करते हैं। शॉर्टलिस्ट करने के लिए आपको प्रोफाइल के बाजू स्टार मार्क पर क्लिक करना होगा। जैसे आप स्टार मार्क पर क्लिक करेंगे आपके शॉर्टलिस्टेड लिस्ट में ऐड हो जाएंगी। फोटो रिक्वेस्ट में वो रिक्वेस्ट रहेंगी जो या तो आप सेंड करे हैं या रिसीव करे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपकी प्रोफाइल फ़ोटो हाइड है तो कोई भी आपसे रिक्वेस्ट कर सकता है फ़ोटो दिखाने के लिए, तो आपके पास यहाँ पे रिसीव में रिक्वेस्ट आ जाएंगी। या फिर अगर आप किसी और की फ़ोटो देखना चाहते हैं जिन्होंने हाइड कर रखा है, तो आप उनको फ़ोटो रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। तो जो फ़ोटो रिक्वेस्ट सेंड हुई है वो यहाँ पे रहेंगी सेंड टैब के नीचे। एक्सप्रेस इंटरेस्ट भी वैसे ही है, आप जिन प्रोफाइल्स को एक्सप्रेस इंटरेस्ट सेंड करे हैं सेंड के अंडर रहेगा, और जिनकी तरफ से आपको रिसीव हुई है रिक्वेस्ट वो रिसीव के अंडर रहेगा। अब ये आप एक्सप्रेस इंटरेस्ट कैसा कर सकते हैं ये देखने के लिए आपको वापस फिर माई सर्च सेफ सर्च पर जाना होगा। देख सकते हैं आपके सामने ये प्रोफाइल्स आए हैं जो आपकी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करते हैं। अगर आप कोई भी प्रोफाइल को एक्सप्रेस इंटरेस्ट करना चाहते हैं तो आपको राइट मार्क पर क्लिक करना होगा। जैसे आप राइट मार्क पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ मैसेज आएंगे जिसमें से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपको बेहतर लगे। वापस डैशबोर्ड पे आना होगा है तो आपको डैशबोर्ड पर क्लिक करना होगा। लॉग आउट करने का ऑप्शन सब में लास्ट में होगा। दैट्स इट, अल्लाह हाफिज़।